2014 देखो भाई साहब मोदी सरकार ये पीएम ऑफिस की मोर है 2014 किया कट के पड़े थे कट के देखो अपने भाई माटी पीट रखी मेरी तो मेरा बुढ़ापा तो दाद दे कुछ नहीं हो रहा भाई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी विनोद पर। दोस्तों इस समय हम मौजूद है एक ऐसे पर मकान के अंदर जिसकी हालत आप देख रहे हो। हालत इस तरीके से है कि दरवाजे टूटे हुए हैं और पूरा का पूरा कर परिवार जो है तीन लोग यहाँ अभी यहाँ पे मौके पे जो रह रहे हैं इस परिवार के अंदर, एक बूढ़ी माता है और दो उसके लड़के हैं। अब देख रहे हो इसी कंबल के ऊपर सो के तीनों की तीनों सदस्य इस परिवार के अपना गुजारा कर रहे हैं। और जिस इस समय हम मौजूद है शाम का समय हो गया है और इस घर के अंदर जो है लाइट की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं है। हमारे साथ जो है बूढ़ी माता है, इनसे बात कर लेते हैं आखिर किस कारण से लगातार इनकी कॉल आ रही थी। माता जी मकान की हालत तो हमने देख ही ली, पूरा मामला क्या है? ये मकान आपका खुद का है, किराए पे है क्या? किराए पर बैठी इनका है, ये बैठी मकान इनका है, मकान आलदे हुआ बैठी मतलब किराए पर बैठी। बताई ना 1200 रुपये दे और बिजली का बिल कोई मेरा खुद का था। मेरा आदमी ना देवरानी के कहा तो देवर के कहा तो नंद के कहा तो उनके कहा तो मेरा सब कुछ बड़ा रखा मारे दौरे। तो कौन से गाँव बापड़ो था? आपकी जमीन थी वहाँ, आपका मकान था वहाँ? हाँ मकान ससर तक ऊपर जमीन से 1.5 किला मरांदन था ले गए बेटा, ट्यूबवेल न पड़ ले गए, पंखे न ठा ले गए और बोले जब निमला उड़ा देंगे। कौन कौन बोला किस? एक आसन डेका था, एक वो खुद आदमी बैठा था, रो खुद देवर बैठा था, बोला वरान तो होगी तो अला ठोली बतेरी और वो मत कोई आओगा तो बारा के बन रखी वो डेढ़ तो उठा ले गया, उन तक बगन करवा रखा था। आपकी जो प्रॉपर्टी थी जो आप बता रहे हो खेत थे मकान थे, किस को आपने बेच दिए, किसने बेचा वो मकान जमीन? और किसके बाप ने बेचा? मेरे खसम ने बेचा बस। आपके पति ने बेच? हाँ अरवादा डाला ही था, एक लेकर आक नहीं था ना आक मेरा भी था, मेरे बालका का। कितने कितने साल पहले बेच दिया था? 2008 में। 2008 में मकान बेचा था। अब 2022 हो गए, मकान का नहीं बेचा, हम तो बंद करके आए थे। अच्छा जी, मकान में मेरी संदूक, तीन बिस्तर, चार खाट, एक तख्त अट्ठे का छोड़ का आई थी, ताला बंद करके आई थी, ढगता ने तो तोड़ के बाढ़ रखे। दारू पियो सुन दौरा उनकी थाली ताटा है और भाई हम घर तो बेकर का वो ना अपना दारू का स्वाद आम के खा दो मेरे बाल की दा और बाहर लकड़ा हाँ कि दा हाँ तहसीलदार का कि डीसी का कि दा हाँ तो हमारा चप्टन 2022 चल रहता ही। हाँ देख ले चल, जब इतना लंबा समय हो गया, इतना लंबा समय है डांड का थक लिए बेटा, जब तारे लग गई सू वकील ने बताई अकाक ताले करेंगे काम करेंगे तो और कोई नहीं करेगा, जाते तारा तो वो करे बेटा ये तारी मर्जी मारे दुखी हो रही ये मदद तम करो। अच्छा ताई अब यहाँ कितने टाइम तक रहने लग रहे हो आप? हमने साल भर तो ये गया होगा कब मन तक कोई भी रहना बेटा, मेरा दमा का काम नहीं करे हमने तो कितने दिन हो गए। हम दिल्ली तो आए ना गाँव में लॉकडाउन में, हमने घर तक काट दिए थे, बोला हमारा घर से फलान सही से छाती पीट पीट का आया और वो ढेर उनका थाली ताटा है टूखा मेरे बालक में कितका मेरे थोड़े का कोई कसूर को ना छोरे मेरे ठीक से ना मेरे बहन दिए ना मेरी पहले। आपके जो पति है वो दारू पीते? दारू पियो सर, दारू के कारण उन्होंने मकान वो प्रॉपर्टी कारण और दूसरी रांड का कारण उनका किम बैठा है वो 15 साल का 20 साल का। अच्छा दूसरी शादी कर रखी है ना भाई की बहू? भाई की बहू के साथ उसने बकवाया सर उन्होंने कराया है काम हम के कर लिया, मेरा बालकान तो बेरा भी कोई ना अरे बालक बला उन गए ना अकूठी तन क्यों बैठा था वारण थी मात मार कर नहीं बोली साला नीसा बैठा दूंगी जी उनकी बरनी लकड़ी का जी मेरी छोरी का चपट गए। दो दो लड़के जी आपके, उम्र भी इनकी पूरी हो रही है, ये नहीं आप कमा के ये कमा के नहीं खिलाते आप? अरे कमा कर ये खुआ है चाहे हम चटनी खाता है लुखी खा के कमाई था उसके मच्छे कोई कंपनी सा सर कोई कंपनी दिल्ली में तो थी कोई फार्म सा के कमाओ भाई उरा हार का नकती मार दो कोई साधन नहीं बेटा कमाई का कोई साधन नहीं। अब आप चाहते क्या हो, किस लिए बुलाया है? मैं आता हूँ सु तब मेरा मेरा हक दिवा दो। क्या हक चाहते हो? देखो जो जमीन वो बेच दी वो तो मिलेगी नहीं, क्यों जो बेच दी जिसकी रजिस्ट्री हो वो तो ना उसमें हक मेरा भी था असा मेरा भी था उसने धोखेदारी से बेचे मतलब नहीं बेचे बीरबानी का अक्सर ना सताई। आपका मकान है गाँव में आप सुनो मेरी मेरी सुनो आप बता रहे हो मकान के ताले लगा के आए थे आपका मकान है आप दोबारा जाओ उस मकान में गांव वाले भी तो होंगे कोई ना कोई आपका साथ दे रहा हो? मैंने गांव का नहीं बेरा ना मैं गांव में गई मारा कोई बोलिया ना सबको धमके ठाडे का साथ कुछ बेटा था हम खूब दानो
सुनी के तो सिफारिश हो क्या पैसा हो ना को किसा का नहीं सा मकान आपको पता है नहीं बेचा मकान आपका अपना है अभी मना भी रहा है कोई ना मकान में हम गए थे लॉकडाउन में तान का मकान में तो बैठा रखे थे उसने अपना आप खा सर उन्ना खुआ सर ठेडे बन का बैठे थे हमने तो नया बनाया था पाड़कन सुनी बेटा मेरा तक दुआओ के बीरबानी का आँख नहीं होता के मेरे आँख ने क्यों कर खा गा गोपाल परिया रो थोची का था एक डेढ़ प्रॉपर्टी डीलर और वह रांड जो इनके लड़के इनसे बात कर लेते हैं दो मिनट इनसे जान लेते हैं इधर आ जाओ सर आपकी माता जी इस तरीके से परेशान हो रहे कंबल पे सो रहे हो कमाई का कोई जरिया है या कमाई करना ही नहीं चाहते दिक्कत क्या है एक भाई तो आपका शराब भी है आपका पता नहीं आपके बारे में बता रहे थे शराब वगैरह आप पीते हो इस तरह का मत नहीं पीते कमाई का कोई जरिया ही कौन है सब तो फिर आप तो मकान जैसे बता रही है माता जी ने बताया कि मकान वो आपकी किले जमीन जो भी थी वो बेच दिया आपके पिता ने बेचा ड्रिंक वगैरह करते थे आप लेके क्यों नहीं जाते गांव में जहाँ आपका मकान है वहाँ जाके मिलो गांव वालों से वहाँ नहीं जा सकते जी हम क्यों किससे डर है किस बात का डर गोपाल परिया का डर कई डाल की प्रॉब्लम है जी वो धमकी पे धमकी है चौकी से भी धमकी है वो खुद चौकी में है दो तीन बार यो मेरा हाथ खंडम कर दिया था चौकी में ले जाएगा था ये आड़े थे फोड़ दिया था दांत तोड़ दिए थे इस कारण कई डाल की धमकी है जी गांव में आप कितने साल रहे आपको कितनी उम्र हो गया 2008 में छोड़ दिया था जी गांव कितनी उम्र थी उस टाइम आपकी उस टाइम पर मेरी उम्र थी जी 20 साल थी जी 20 साल आप गांव में रहे हो कोई तो आपके गांव के कोई देसी हो गया आप जाके मिलो गांव वाले से मिलके दोबारा इस बात को उठाओ उठाने से अब कोई फायदा नहीं ना जी मोदी खबर पहुंचाओगे तो हम तो नहीं पहुंचा जागा हमका हमारा चैप्टर है हम ना धमकी दी से पढ़ जाएंगे वो करेंगे जब तारी मदद बनाई कोई उनको अमेले पमेले कोई ताकत हमने संभालागा वो संभालवाओगे भैया उम्मीद से सारे ये मारे को सुनाई खटवा दे आपका गांव का नाम बता दो जिस गांव में आपकी ससुराल थी जहां आपके सारे की सारी प्रॉपर्टी बेची गांव का नाम बता दो बापड़ोदा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हाँ या जो जमीन बिकी थी या 2008 में बिकी थी भाई जी आज तहसील में रजिस्ट्री हो रहा है वो बस एन भी कौन है मैं दो कागज पड़े इसके दर्जा महा सीएम कट्टर साहब के पास तीन बार हम जा लिए डीसी जजर के मैं दो कागज पड़े हैं मोदी ऑफिस तक में जा लिया कोई सुनाई कौन है आड है एक दाड़ी मजदूरी करा और बड़े बिजनेस है उसमें बाइक कराया भी है ना ताई खड़ी पूछ ले चाह पूछ लो कोई बड़ी बात कौन है इसे किराया भी नहीं दिया कि बस हो के बस हो ठीक से बुढ़ी माँ है बीमारी भी हो जाओ और भी दिक्कत हो जाए एक एक सिलेंडर यो पड़ा यो बताई कैसा इतना मजबूर सो मैं कागज कार्रवाई सारी में दौर तारीख समेत पड़ी है लेकिन कितना भाई जी सुनाई ना हो न्यू बताई थी बीडी वाले सुनाई करवाऊंगे जब तारी बूत होगी जब तम तारा या दादा लाई सर न्यूली बेच क्यों कर दई सारे साले दियाल मन जाएंगे वो करेंगे वकील ने बताई थी भाई जान के तो बुलाए जो तिलक राज है चोची गांव का अपने गांव के पास में पड़ा है प्रॉपर्टी डीलर का काम करा है आज भी करा है ठीक है उसने मिलकर मन रोटी चौकी में ऐसा ही है राम कुमार नाम से गाँव गोपालपुर से ठीक है उस तय दवाई गई है और यह दवाई गई है 5 बजे के बाद में जो मार दो कागज पड़े अपने दिखा दूंगा उन टेम भी नहीं है और इसकी जो जो रजिस्टर्ड हो है जो सैन करा है उसके शहर भी नहीं है अरना गांव का लंबरदार ना गांव का गवा संडे का गवा और खर का लंबरदार भाई पूरा धोखाधड़ी कर रखा सर ये भगवान झूठ का क्यों तो तुम जाना होता नहीं भाई झूठ बोलेंगे लेकिन कागज झूठ ना बोले मेरे भाई जी हम झूठ बोल देंगे लेकिन कागज तो झूठ ना बोले सुबह पहुंचाएंगे तारी खबर लग भी मोदी लग भी भैया करके हाथ दौड़ के सब तवस्ट करूँ सो मेरी सुनाई कर ले मेरा बुढ़ापा को दर्जा मेरे खुद की सर पर साथ कर दो बस वो वीडियो वाले कर तो दोस्तों इस समय हम चूसकवास के अंदर मौजूद थे और ये परिवार जो घर से बेघर है क्या कारण रहा क्यों इनके जो पिता ने खुद ही मकान अपना मकान बेचा जमीन बेची या नहीं बेची जो भी इन्होंने बताया पूरा मामला आपके सामने है आपने देखा लेकिन फिलहाल जो हम कंडीशन देख रहे हैं ये बूढ़ी माता है
जो इस कदर परेशान है कि खाने के लिए ना तो इनके घर में रोटी है, ना ही कुछ सर पे छत है, बुरी हालात है। तो दोस्तों जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई समाज से भी किसी प्रकार से भी इनकी मदद करना चाहता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इनका जो पूरा का पूरा एड्रेस आपको बता देंगे। खाने पीने की जिस तरीके भी जो भी इनकी छोटी मोटी मदद हो सकती है आप कर सकते हो। और प्रशासन के पास ये वीडियो पहुँचती है तो अगर हो सकता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, देखें, इनकी सुनवाई करें। क्यों इनकी जो है कहीं भी जो है रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, जो कागज है उनको नहीं देखा जा रहा। तो दोस्तों बने रहिएगा आगे भी हमारे साथ, जिस तरीके भी जैसे भी अपडेट मिलती है आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।